हेलो एवरीवन। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको इमेजेस को अपलोड कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपना पूरा आर्टिकल यहाँ पर राइट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो वर्क होगा वो होगा इमेजेस को अपलोड करने के लिए। कभी कभी क्या होता है, आपका आर्टिकल होता है स्टेप बाय स्टेप कोई प्रोसेस बताने वाला, तो आपको उसमें साथ ही साथ इमेजेस को अपलोड भी करना होगा। मैं एक जनरल आर्टिकल लेके चलता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि आपको इमेजेस कैसे अपलोड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिएगा, ये आर्टिकल है हमारा फ्लावर मेंटी से रिलेटेड, तो इसमें हमें इससे रिलेटेड यहाँ पर इमेजेस को अपलोड करना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जैसे कि यहाँ पर जो भी हेडिंग्स होंगी ना, तो उससे रिलेटेड ही आपको इमेजेस को अपलोड करना है। यदि आप यहाँ पर कोई भी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर लिस्ट वाइज इमेजेस को क्रिएट करना हो, ये यहाँ पर डिपेंड करता है आप किस प्रकार का आर्टिकल यहाँ पर राइट कर रहे हैं। तो चलिएगा, सबसे पहले यहाँ पर जो हेडिंग है वो है द स्पिनिंग फ्लावर मैंटिस, तो इससे रिलेटेड हमको एक इमेज अपलोड करना है। तो इसको हम सर्च करते हैं सिंपली गूगल पर, देन क्लिक ऑन इमेजेस। उसके बाद आपको क्लिक करना है टूल, देन यूज राइट, देन क्रिएट अ कॉमन लाइसेंस। यहाँ पर जो भी आपको इमेजेस मिलेंगी ये कॉपीराइट फ्री होती हैं, तो आप यहाँ से जो भी इमेजेस हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा, आपको यहाँ पर इमेजेस नहीं मिलेंगी, तो आपको सिंपली यहाँ पर ऑल पर क्लिक करना है। वो मैं आपको भी सेकेंड में जो अपलोड करके बताऊंगा, तब आपको कैसे करना वो आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर फिलहाल मैं क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस की एक इमेज को ले रहा हूँ। अब क्या करना है, आपको किसी भी इमेज पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर फर्स्ट इमेज flickr.com की जो इमेज है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट राइट क्लिक सेव करके इमेज को डाउनलोड नहीं करना, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको ऑफिशियल साइट से इस इमेज को डाउनलोड करना है। अब आप यहाँ पर ये डाउनलोड बटन है इधर, यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना साइज़ को चूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भी साइज़ हो वो 1000 के अप्रॉक्स होना चाहिए। और आप कोशिश करिएगा कि जब भी आप इमेज को डाउनलोड करें तो वो आपके रेक्टेंगुलर शेप में हो। ये इमेज जो है वो स्क्वायर शेप में है, तो इसलिए मैं इस इमेज को अपलोड नहीं करूँगा क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है। जब आपको कोई इमेज नहीं मिलती तो आप स्क्वायर शेप में भी अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं इसको अपलोड नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कोई दूसरी इमेज देखता हूँ जो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में हो। जैसे कि ये जो इमेज है, इस इमेज को मैं अपलोड करूँगा। अगर आप यहाँ से राइट सेव करके भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस इमेज को पूरा यहाँ पर लोड होने दीजिएगा, तभी आप इसको यहाँ से डाउनलोड करिएगा। नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट साइट पर आके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, जो इमेज हम डाउनलोड कर चुके हैं वो डाउनलोड हो चुके हैं, तो सिंपली हमको क्या करना है, उसको ओपन करना है। देन इस इमेज को राइट क्लिक करना है, देन ओपन विथ पेंट। आप यहाँ पर कोई भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर आप इसको रोटेट करिएगा और इस इमेज को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्रॉप जरूर कर लीजिएगा। आप इधर साइड से कर सकते हैं क्रॉप, ऊपर से किसी भी तरफ से आप थोड़ा सा क्रॉप कर लिए, एज इट इज आपको इमेज अपलोड नहीं करनी है। देन आपको कंट्रोल एस प्रेस करना और ये इमेज सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको एक साइट को ओपन करना है जो कि शॉर्ट पिक्सल इमेज कंप्रेशन। देन यहाँ पर आप इस इमेज को लेकर आएंगे, उसके बाद इस इमेज को यहाँ पर अपलोड करें, उसके बाद इस इमेज को हमें डाउनलोड करना। अब आप देखिएगा, आपको अपने इस इमेज का नेम क्या रखना है, जो आपकी हेडिंग है उससे रिलेटेड आप यहाँ पर इस इमेज का नेम रख सकते हैं। तो मैं इस इमेज का जो नेम रखने वाला हूँ, स्पिनी फ्लावर मेंटिस है, क्योंकि मैंने इसी की ही इमेज यहाँ पर डाउनलोड की है। तो सिंपली मैं इस इमेज का नेम यही रखने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया, तो इस इमेज को मैं इसी नेम से सेव कर दे रहा हूँ। अब क्या करना है आपको, इतना वर्क हो गया। सबसे पहले हमने इमेज को डाउनलोड किया, उसको क्रॉप किया, देन उसको शॉर्ट पिक्सल पर जाके कंप्रेस किया। अब इस इमेज को हमको अपलोड करना है। तो इमेज को अपलोड करने के लिए सिंपली आप जो भी आपकी हेडिंग है उसके अंदर आप कहीं पर भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, या देख लीजिएगा कि कहाँ पर ये सुटेबल रहेगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पर इसको अपलोड कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्लिक करके एंटर प्रेस किया, देन क्लिक ऑन एड मीडिया, क्लिक ऑन अपलोड फाइल, देन सिलेक्ट फाइल्स। अब इस इमेज को मैं यहाँ पर चूज कर ले रहा हूँ। अब देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, इमेज का जो टाइटल आएगा वो तो आपका इमेज का नेम होगा, वही यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल हो जाएगा। देखिएगा अभी तो ये ऑटोमेटिकली फिल। अब ऑल्ट टेक्स्ट में आपको क्या रखना है, ऑल्ट टेक्स्ट में ध्यान रखिएगा कि जो आपने जिस कीवर्ड पे आप अपना आर्टिकल लिख रहे हैं वो यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट में आना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। फिलहाल देखिए, हमारा जो मेन कीवर्ड है वो है फ्लावर मैंटिस, है ना। मेन कीवर्ड है हमारा फ्लावर मैंटिस, तो हमारा टाइटल है द स्पिनी फ्लावर मैंटिस, मतलब कि इसमें कीवर्ड आ चुका है टाइटल में, तो हमें कुछ भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। तो कंट्रोल ए कंट्रोल सी किया, देन पेस्ट ऑन ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट पेस्ट टू पेस्ट कर दिया है। और यहाँ पर फ्लावर मैंटिस हमें यहाँ पर ऑल टेक्स्ट में आ गया। एक बात तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल में यदि आप 10 इमेजेस को ऐड कर रहे हैं, तो उसमें 5 से 6 इमेजेस में ही आपको कीवर्ड होना चाहिए। ऑल टेक्स्ट तो आपको सभी में ऐड करना है, लेकिन कीवर्ड केवल 5 से 6 इमेजेस में ही होना चाहिए, सारी इमेजेस में कीवर्ड होने की नीड नहीं है। जैसे कि यहाँ पर
यहाँ पर मैं अगर कीवर्ड नहीं डालता तो यहाँ पर फ्लावर को मैं कुछ ऐसा लिख देता कि जिससे कि ये कीवर्ड यहाँ पर प्रॉपर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर इमेज से रिलेटेड ही आपको ऑल टेक्स्ट डालना। अब आते हैं कैप्शन पे, कैप्शन आपको क्या लिखना है, कैप्शन आपको इस इमेज से रिलेटेड ही लिखना। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, ये एक आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, तो देखिएगा ये इमेज यहाँ पर अपलोड की गई है, उसके बाद यहाँ पर ये कैप्शन है आप देख सकते हैं, और उसके बाद फोटो का क्रेडिट भी है कि कहाँ से ये इमेज ली गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। वो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कॉपीराइटेड फ्री इमेजेस कैसे, कॉपीराइटेड इमेजेस को अपलोड करने के लिए कैसे करना और क्रेडिट आपको कैसे देना है। तो देखिए क्रेडिट कैप्शन आपको इस तरह से लिखना है, देखिएगा सिंपली। तो इस इमेज का हमको कैप्शन लिखना है, तो कैप्शन मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा था इस इमेज का, तो मैं सिंपली यहाँ पर उसको कॉपी करता हूँ, देन पेस्ट कर दूँ, कैप्शन यहाँ पर हो गया है। अब आप एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आप इस इमेज से रिलेटेड लिखना चाहते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पर फिलहाल इसी कैप्शन को भी पेस्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखना है इमेज से रिलेटेड। देन यहाँ पर आपको नीचे ड्रैग करना है और यहाँ पर फुल साइज पर क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन, और अलाइनमेंट को यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ये सेंटर होना चाहिए। उसके बाद क्लिक ऑन इंसर्ट इंटू पोस्ट, सिंपली ये इमेज यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी और आपका यहाँ पर कैप्शन जो भी था वो कैप्शन यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको कॉपीराइटेड इमेजेस कैसे अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पर एक और इमेज अपलोड करता हूँ डेविल्स फ्लावर मैंटिस से, देन क्लिक ऑन इमेजेस। अब की बार मैं यहाँ पर टूल का यूज नहीं कर रहा हूँ, तो जिससे कि मैं कॉपीराइटेड इमेजेस यहाँ से डाउनलोड करूँ और उसको मैं अपलोड करता हूँ। जैसे कि इस इमेज को मैं यहाँ पर डाउनलोड करूंगा, तो सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया, देन यहाँ पर टैप किया, क्लिक किया एक बार और, अब इस इमेज को राइट क्लिक करता, देन सेव इमेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेब फाइल में है, तो इसको हमें सबसे पहले तो एडिट करना होगा और उसके बाद कंप्रेस करना होगा। तो चलिए इसको हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर पेंट पर क्लिक करते हैं। इसको क्रॉप करने के लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं, और जितना एरिया को आप रखना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, देन कंट्रोल एक्स और इसको ड्रैग करिए, देन कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको फाइल पर क्लिक करना, देन सेव एस, देन जेपीजी, और इसको सेव कर देना है। अब उसके बाद सेम वही प्रोसेस है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड मैंने इस इमेज को डाउनलोड किया, तो इसको मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ, सिंपली नाउ क्लिक ऑन डाउनलोड, देन सेव। अब इसको हमको अपलोड करना है, तो देखिएगा ऐड मीडिया और ये इमेज है, इधर मैंने इसको अपलोड कर दिया। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कैप्शन कैसे लिखना है। तो सबसे पहले तो आपका जो कैप्शन होगा वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर कैप्शन ऑलरेडी लिख रखा हूँ, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब क्या करना है, इमेज उसके बाद ब्रैकेट लगाइए, देन इमेज वाई, कहाँ से हमने डाउनलोड की थी, इमेज वाई में आपको यहाँ पर नेम लिखना है जिसने भी ये इमेज अपलोड किया, तो इस नेम को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो कोई भी नेम नहीं है तो सिंपली आप साइट का नेम डाल सकते हो, तो इमेज वाई में मैंने यहाँ पर इसका नेम लिख दिया है, देन फ्रॉम किस साइट से डाउनलोड हुई है वो है ये, इसको कॉपी किया, और देख लीजिएगा कि जो भी यहाँ पर HTTPS है इसको अब रिमूव कर दीजिएगा, इतना आपको करना है। देखिए देखिए इस तरह से आपको क्रेडिट देना है, इमेज वाई जो भी नेम है, फिर फ्रॉम उस साइट का नेम प्रॉपर आपको लिखना है, देखिएगा इमेज वाई इस नेम को, और फिर फ्रॉम में इस साइट का नेम। साइट का नेम डालते समय ध्यान रखना कोई भी HTTPS वगैरह कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ आपको उस साइट का नेम -.com प्रॉपर आपको। आप ऑल टेक्स्ट यहाँ पर हम डाल देते हैं, ऑल टेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, आपको इस इमेज से रिलेटेड लिख देना, लेकिन उसमें कीवर्ड होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि आपके आर्टिकल में 4-5 से ज़्यादा इमेजेस हैं तो आप केवल 50% इमेजेस में ही ऑल टेक्स्ट डालिएगा कीवर्ड के साथ। ऑल टेक्स्ट तो सभी इमेजेस में पड़ेगा, लेकिन कीवर्ड केवल 50% इमेजेस में ही आना चाहिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर इस इमेज में कीवर्ड नहीं डाल दे रहा हूँ, तो मैं फिलहाल यहाँ पर केवल डेविल्स मेंटिस लिख दे रहा हूँ, जो कि रॉन्ग है, ऐसा आपको नहीं करना, मैं जस्ट आपको यहाँ पर समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आपको 50% इमेजेस में यहाँ पर ऑल टेक्स्ट डालना है। और यहाँ पर सिंपली आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में अपना कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर इमेज के अकॉर्डिंग आपको सुटेबल लगता है, देन फुल साइज पर क्लिक करिए, देन इंसर्ट इनटू पोस्ट। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट भी आ गया है इस इमेज का, और हमारा जो कैप्शन था वो भी है। इसी तरह से आपको इमेज को अपलोड करना है। कुछ मैं फ्री साइट्स आपको बता देता हूँ जहाँ से आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिलती हैं, जो कि हैं pexels.com। यहाँ पर आप कोई भी अपना कीवर्ड सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड आपको इमेज मिल जाएगी। देन सेकेंड वन इज pixabay.com, थर्ड है unsplash.com,
देन फ्लिकर, ये जो साइट्स हैं यहाँ से आपको फ्री में कॉपीराइट फ्री इमेजेस मिल जाएंगे जिनका यूज आप आर्टिकल में ऐड कर सकते हैं, आर्टिकल में यूज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्या करना, मैं आपको एक बार रिकैप कराता हूँ। सबसे पहले आपको अपने हेडिंग से रिलेटेड इमेज को सर्च करना है, देन आपको उस इमेज को डाउनलोड करना है। इमेज को डाउनलोड करने के बाद आपको उसको क्रॉप करना है, और ये ध्यान रखिए इमेज आपका रेक्टेंगुलर शेप में हो तो ज़्यादा अच्छा, अगर रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस इमेज को क्रॉप करना है। फिर उस इमेज को शॉर्ट पिक्सल साइट पर जाके उसको कंप्रेस करना है, और उस इमेज को सेव करना है आपके हेडिंग से रिलेटेड, जो भी आपके हेडिंग हो उस नेम से उस इमेज को सेव करना है। देन आपको उस इमेज को एड मीडिया पर क्लिक करके अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ऑल्ट टेक्स्ट डालना, ऑल्ट टेक्स्ट में आपको ऐसा डालना है कि उसमें कीवर्ड आना चाहिए, अगर आप कैटेगरी में 4 से ज़्यादा इमेजेस हैं तो आपको केवल 50% इमेजेस में ही कीवर्ड होना चाहिए, और बाकी की इमेजेस में आपको नॉर्मल ऑल्ट टेक्स्ट हो, वो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या लिखना है। अगर आपके आर्टिकल में 4 इमेजेस हैं तो 4 इमेजेस में कीवर्ड होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आपको कैप्शन लिखना है, फिर आपको ध्यान रखना है कि आपकी इमेज कॉपीराइट फ्री थी। अगर कॉपीराइट फ्री थी तो आपको इमेज का क्रेडिट देने की कोई नीड नहीं है, अगर कॉपीराइट फ्री नहीं थी तो आपको इमेज का क्रेडिट भी देना है। और क्रेडिट आपको कैसे देना है कि जिसने भी उस आर्टिकल को राइट किया है, इमेज बाय उस आर्टिकल, उस राइटर का नेम, और किस वेबसाइट से, तो फ्रॉम में उस वेबसाइट का नेम। तो सिंपली आपको इतना करना, और डिस्क्रिप्शन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर उस इमेज से रिलेटेड लिख सकते हैं, वो इमेज आपको क्या कहना चाहती है, मतलब उस इमेज का मोटिव क्या है उसको अपलोड करने का, वो आपको करना। देन क्लिक ऑन इंसर्ट इनटू पोस्ट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।